आज जो वृक्षारोपण कार्यक्रम किया जा रहा है उसके विद्यालय तो अध्यक्ष की आवश्यकता होती है। अध्यक्ष के लिए मैं सर्वप्रथम श्रीमती सुमन रानी को विशेष निवेदन कर रहा हूं कि वो आगे आगे बैठे। इसके बाद हमारे विद्यालय से एसएनसी अध्यक्ष श्री वीरेंद्र कुमार जी हैं, एसएनसी अध्यक्ष श्री श्रीवर कुमार जी, क्योंकि प्रॉपर रूप से सांस नहीं ले सकते थे, इसलिए वैसे भी ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम लगातार चलता रहा है सभी स्कूलों में सभी जगह आप सब करते हैं, लेकिन राज्य सरकार ने इसका विशेष इसको एक अभियान के तौर पर विद्यालयों को सार्वजनिक स्थानों पे सभी के लिए विशेष अवसर निकाले हुए हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा इस अभियान को सफल बनाए और हर विद्यालय को सार्वजनिक जगह ग्राम पंचायत को टारगेट भी दिए हुए हैं कि आप अपने ग्राम पंचायत में आप अपने विद्यालय में इतने पौधारोपण वृक्षारोपण करने ही करने हैं आपको। लेकिन यहाँ भूमि की इतनी उपलब्धता है नहीं, लगातार यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, यहाँ निर्माणाधीन है, यहाँ कमरा निर्माणाधीन है, शौचालय निर्माणाधीन है, आप सभी देख रहे हो, इसलिए हम तो चाहते हैं कि 100-200 पौधे लगे, लेकिन जगह की उपलब्धता नहीं होने के कारण हमने यहाँ फिर भी कोशिश की है 70-80 पौधे लगाने की। उसमें विभिन्न प्रकार के पौधे हैं, यहाँ हर वैरायटी के पौधे लाए गए हैं, गवर्नमेंट नर्सरी से भी इसके अलावा प्राइवेट नर्सरी से भी अलग अलग पौधे बढ़िया वैरायटी के खरीदे, उनकी पूरी पालन पोषण की जिम्मेदारी भी विद्यालय परिवार खुद लेगा। अब तक जो पौधे लगाए हैं वो भी शानदार तरीके से चले हुए हैं और आगे जो आज जो पौधे लगाओगे आप सब मिलके उनके भी हम विद्यालय पूरा मैनेजमेंट विद्यालय परिवार पूरे जिम्मेदारी के साथ में उन पौधों को आगे से उनका पालन पोषण करके उन पौधों को बड़े करेंगे। आप इतना अमूल्य समय निकाल के सभी ग्रामवासी हमारे भामा साहब जो इतना अमूल्य समय निकाल के आप यहाँ पहुंचे हो तो विद्यालय परिवार की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन। जब जब ये विद्यालय को आवश्यकता पड़ी है 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो या बसंत पंचमी हो या और भी कोई विद्यालय का कोई फेस्टिवल हो तो हम जब भी गांव वालों को इनवाइट करते हैं तो गांव वालों की इतनी इंटरेस्ट है अपने विद्यालय के प्रति, नहीं तीनों विद्यालयों के प्रति उनका बहुत शानदार जागरूकता है, शिक्षा के प्रति तीनों विद्यालयों को बढ़ चढ़ के सहयोग दिया है। और यदि अपने इस संस्कृत विद्यालय की हम बात करें तो मैं तो कहता हूँ मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि 21 जून 2021 को यहाँ उद्घाटन हुआ था, एक समृद्ध हुआ था, यहाँ अपने जैसी जमीन मिली, उसके बाद में इस स्कूल के गाँव वालों ने जो 4 चांद लगाए हैं, क्योंकि अभी तक इस विद्यालय को कोई फंड नहीं मिला हुआ है और फिर भी लगभग सारी बिल्डिंग कम्प्लीट है, सारी भौतिक सुविधाएं जो गाँव वालों की तरफ से दी गई है काबिल तारीफ है, शानदार है। हम सब विद्यालय परिवार आपका फिर अभिनंदन करता है सबके लिए। जब जब विद्यालय में कार्यक्रम होता है तो विद्यालय की जो कमियां होती है हम आपको बताते हैं और आप बिना सोचे समझे उस कमियों को तुरंत प्रभाव से आपने सभी ने मिलकर पूरा भी किया है, उनके लिए भी हम बार बार विद्यालय परिवार आपका धन्यवाद अर्पित करता है। और आगे भी हमें उम्मीद रखते हैं कि जैसे जैसे विद्यालय हम आगे बड़ा रूप लेता जा रहा है धीरे धीरे, ये सब आपकी कृपा है, आपका सभी का सहयोग है, क्योंकि ये विद्यालय पहले प्राथमिक लेवल का था और अभी ये जनवरी में पिछले 2023 जनवरी में ये विद्यालय कुछ प्राथमिक का हुआ और जैसे कुछ प्राथमिक का हुआ तो विद्यालय को भौतिक सुविधाओं की आवश्यकता बढ़ी। हमने 15 अगस्त 26 जनवरी जो 2 पिछले लास्ट प्रोग्राम हुए तो हमने गाँव से डिमांड की भामासाओं से और उन बात को माना गाँव के भामासाओं ने और जो मैंने डिमांड किए जिससे भी गांव वालों से मैं तो खुद कहता हूं कि किसी ने मना ही नहीं किया। कल भी वृक्षारोपण का कार्यक्रम जो अपन 2-3 दिन से ग्रुपों में देख रहे होंगे आप सब, हमने डाला था कि बृहस्पतिवार को शाम 5 बजे संस्कृत विद्यालय में वृक्षारोपण होगा, क्योंकि ये डिपार्टमेंटली अलग अलग शेड्यूल है, अलग अलग स्कूल के हिंदी मीडियम ने वृक्षारोपण अलग कर लिया, अपना संस्कृत का डिपार्टमेंट अलग है तो अपने को डिपार्टमेंटली रूल रेगुलेशन भी मानने होते हैं, नहीं हम भी चाहते हैं सारे मिलके एक साथ ही करें, लेकिन कुछ ऑर्डर भी जरूरी है, गवर्नमेंट स्कूल है तो उस हिसाब से हमें पालना बहुत कुछ करनी होती है, आपकी भी और डिपार्टमेंट की भी हमें पालना करनी होती है, इसलिए आज ये डेट रखी गई थी। और इस वृक्षारोपण के कार्यक्रम में आप सभी का एक बार पुनः
हार्दिक अभिनंदन में स्वागत। इसी कार्यक्रम में हमने विद्यालय से कुछ बच्चियां तैयार की हैं, ज्यादा समय तो लेंगे नहीं, आपसे विशेष निवेदन रहेगा क्योंकि लाइट गई, उधर तीन कमरों में तो इन्वर्टर है, इधर इन्वर्टर की व्यवस्था है नहीं, नहीं तो आपके सामने पंखे चलते मिलते,